सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई मैं अभी आया हूं गोहाना में और ये है गठवाड़ा मलिक भवन। तो जी जो यहां सोनीपत हलका या जो गोहाना हलका है यहां के जो ये खाप है और हमारे बलजीत मलिक जी हैं, हम उनसे पूछते हैं भाई ये क्या व्यवस्था है यहाँ पर। बड़ा ही बिजी शेड्यूल रहता है क्योंकि हर क्षेत्र में जाना, लोगों से बात करना, मंत्रियों को तो कहीं टाइम मिल भी जाती है लेकिन यहाँ पर ऐसी खाब में टाइम मिलना बड़ा मुश्किल होता है। राम राम जी। जी राम राम जी। और जी ठीक हो आप? बिल्कुल बढ़िया। सर एक तो इस खाब का मतलब समझाएं, खाब होती क्या है? खाब क्या है? एक गोत्र की एक वंशावली होती है। अच्छा जी। एक आदमी से चल के आगे गोत्र बढ़ता चला जाता है। अच्छा अच्छा। तो हमारा ये पूरा मलिक गोत्र जो है एक खाब। ये तो हुआ जी खाप की बात, क्योंकि मेरे को खाप का मतलब नहीं पता था। अब मेरे माध्यम से जिन भाइयों को मतलब नहीं पता उनको भी पता चल गया हुआ। तो मलिक साहब, अब आपकी इस मलिक खाप में क्या भूमिका रहती है? किस बारे में? मतलब समाज को लेके, मलिक परिवारों को लेके आप क्या क्या कार्य करते हैं? क्या है कि हमारा काम है सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना। अच्छा जी। और उसके लिए सामाजिक फैसले लेते हैं, समाज की बुराइयों को दूर करने की कोशिश करते हैं और आपस में भाईचारा बनाए रखने के लिए कोई अगर किसी का झगड़ा है तो सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये कोई इसका आपके खाप का कोई सरकार से भी लिंक रहता है? भाई सरकार से कोई आमदनी या सरकार के प्रति? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता मतलब कोई गैर सरकारी काम है, काम होता है इनका। खापों का अपना वर्चस्व है, सरकार से इनका कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है जी। तो कोई इसमें ये आप एक फ्री की सेवा है या किस तरह से काम? नहीं फ्री सेवा है। फ्री सेवा है जी। तो जैसे भी पूरे हरियाणा के मलिकों का रहता है या आपका जो ये हल्का है सोनीपत इसी का है? नहीं ये तो सारी खाप का, यूपी में भी है, पंजाब में भी है। अच्छा अच्छा। दिल्ली में भी है, मलकिन राजस्थान न बोले। अच्छा अच्छा। तो हर एक क्षेत्र का अलग है। आप सोनीपत हल्के से? नहीं मैं सोनीपत हल्के का नहीं, मैं सारे देश का हूँ। अच्छा। जितने मलिक में सारी खाप का प्रदान। अच्छा अच्छा। चाहे वो यूपी के हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे दिल्ली के हों, चाहे राजस्थान के हों, पूरे भारत का। हाँ। तो अभी आपने क्या कुछ भूमिकाएं निभाई है कहीं कोई झगड़ा या समाज हित में? नहीं वो तो हम करते रहते हैं। अभी प्रोग्राम था पूरी खाप का 19 तारीख को। अच्छा अच्छा। उसमें यूपी के भी थे, दिल्ली के भी थे, राजस्थान के भी आए हुए थे। तो सर जो अभी पुलवामा का कांड हुआ, इस पर आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? क्या था पुलवामा कांड का? हमने क्या था, दादा घासीराम की जयंती समारोह हम खाप की तरफ से मनाते हर साल। अच्छा अच्छा जी। तो हमारे बड़े बुजुर्ग थे। हाँ जी जी। और उसको फिर हमने पुलवामा कांड के बाद, हाँ जी, उस जयंती को शहीदों के नाम समर्पित कर दिया था जी। तो शहीदों की याद में हमने प्रोग्राम किया और पुलवामा कांड के बाद हर भारतीय की उसको आहत पहुंची है। हाँ जी जी। है हर एक आदमी इस बड़ा दुखी है इस जी, बात से जी। और तुरंत ये हर आदमी चाहता है कि इसका बदला लिया जाए। तो सरकार तक इसकी बात पहुंचाई है अपने? हाँ बिल्कुल, हमने रेजोल्यूशन भी किया है, भेजा भी है प्रधानमंत्री को। अच्छा। तो सरकार ने मलिक खाप के लिए कोई विशेष कदम उठाए हैं इस बारे में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा 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 जी। हम इतने मोहताज भी नहीं है जी कि भाई सरकार हमारे लिए ये करे या वो करे। ये सामाजिक संस्था ही है, ये अपने दम पे चलती है, अपने ही दम पे चलती है। तो हमारे जो दादा घासीराम जी हैं इनके बारे में थोड़ा सा विचार दे दीजिए। दादा घासीराम हमारे हमारे दादाजी थे, खाप के पहले प्रधान रहे। अच्छा अच्छा जी। और वो पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल जब पहली बार बनी 1919-20 में जी, तब वो चुन के गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इनका कब आप? ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी रहे। 19 फरवरी को होता है। 19 फरवरी को। तो 19 फरवरी को आपने शहीदों के प्रति समर्पित दे दिया ये कार्य। ठीक है जी। तो भाई आपने मलिक साहब के विचार सुने। भाई इनका अपने ही दम पर कार्य रहता है, सरकार से कोई लेना देना नहीं है, सरकार से कुछ मांग रखते नहीं है। बाकी खापों का सरकार से कोई लेना देना नहीं। आपकी क्या राय है, आप कितना इस बारे में जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, और हमारे मलिक साहब के भी विचार आप कितना इनको जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिखे। धन्यवाद भाई, जयराम जी की।